एज ऑफ एनिफॉर्म डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क सर्कुलर डिस्क है और ये सर्कुलर डिस्क है और इसके एज पे एज पे स्ट्रिंग रैप्ड है ऐसे फाइंड द डाउनवर्ड एक्सलेशन ऑफ द डिस्क तब यहां से इसको अगर हम रिलीज करते हैं तो ये जो है एक्सलेट करेगा ए कंबाइन मोशन होगा फिक्स है नहीं फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है नहीं तो कोई भी रिजिड बॉडी है अगर मूव करेगा तो कंबाइन मोशन होगा कंबाइन मोशन है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा तो इस पॉइंट पे अगर फ्री बॉडी डाइग्राम इसका देखोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ से टेंशन है सेंटर पे एम है और ए एंड अल्फा है तो अन कितने हैं अनोन यहाँ पे हमारे थ्री हैं टी ए एंड अल्फा इक्वेशंस कितने हैं इक्वेशन है ट्रांसलेशन का इक्वेशन रोटेशन का इक्वेशन दो हो गए और एक कंस्टेंट इक्वेशन कंस्टेंट इक्वेशन तो ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखो ट्रांसलेशन लिखते समय रोटेशन भूल जाना है तो ये होगा एम जी सब... माइनस टी

तो अगर इस मोमेंट पे ये स्लिप कर रहा है मूव कर रहा है तो जो डिस्क के साथ है डिस्क के डिस्क का पॉइंट जो रिंग स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है उसका भी नेट एक्सलेशन जीरो होना चाहिए तो ड्यू टू ट्रांसलेशन हम एक्सलेशन दिखाएंगे ड्यू टू रोटेशन एक्सलेशन हो जाएगा अल्फा। ए इज इक्वल टू यहां से इसको सॉल्व कर देना है ए इज इक्वल वाले इक्वेशन एक और बता दीजिए कैसे लिखे स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग के पॉइंट स्ट्रिंग और ये दोनों एक स्लिप नहीं कर रहे हैं स्ट्रिंग का पॉइंट और सिलेंडर ये दोनों कांटेक्ट में है हर इंस्टेंट पे तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रिंग और डिस्क दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सलेशन सेम होना चाहिए स्ट्रिंग का एक्सलेशन क्या है स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्सड है स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सलेशन जीरो है तो अगर वो डिस्क के साथ कॉन्टैक्ट में है तो डिस्क का भी एक्सलेशन जो उस पॉइंट का जो कि स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है वो जीरो होना चाहिए तो डिस्क के किसी पॉइंट का एक्सलेशन है क्या ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ इक्वेट कर, कर देना तो ये गिव हो रहा है अल्फा आर की जगह ए पुट करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे 3g/2 या 2g/3 आ जाएगा a 2g/3 और फिर अल्फा आ जाएगा उससे 2g/3r ठीक है यस सर एम के अराउंड टॉर्क जीरो है इसलिए हम लोग उसको नहीं लिख लिखे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो टॉर्क लिखते हैं ये सर तो एमजी का सर जीरो होगा इसलिए हम लोग नहीं लिखे उसको इक्वेशन हाँ, में हाँ जीरो है ना इस पॉइंट के अबाउट फोर्सेस ऑफ अज्यूमिंग दैट डज नॉट क्वेश्चन 73 ये भी बताया था वो जो रूट जिसका आंसर हो ये सर √2g यस ये लो √2gh नहीं होगा यहाँ पे √2gs नहीं होगा सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज होगा अब स्मॉल स्फेरिकल बॉल है तो स्मॉल स्फेरिकल बॉल में हम h r तो करेंगे ही करेंगे जहां पे भी h r होगा वहां पे r को निगलेक्ट कर देंगे नेगलेक्ट करने का मतलब है कंप्लीट r नहीं निगलेक्ट हो सकता नेगलेक्ट किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है सम हो ऐड कर रहे हो तब ना ने निग्लेक्ट करेंगे किसी को आगे भी बहुत सारे ऐसे अप्रोक्सीमेशन होंगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है या कुछ अलग अलग हैं तो उसमें जहां पे भी डिस्टेंस आइसोलेशन में है सपोज कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर लिखते हो तो ये नहीं कि इसको निग्लेक्ट करके इसको जीरो मान लेंगे कहीं पे अगर इक्वेशन ऐसे आ जाता है रूट टू जी कुछ जो भी है एक्स वाई जेड और रूट मान लो एच माइनस आ रहा है तब ये एच के रेस्पेक्ट में ये है, सम या डिफरेंस के फॉर्म में है कोई क्वांटिटी तब निगलेक्ट करेंगे पार्टिकल कर और ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकल हम एज्यूम करते हैं जो हमारे बाकी सारे डिस्टेंसेज हैं उनके रिलेटिव ठीक है उनके रेस्पेक्ट में आइसोलेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिवर्सल पार्टिकल ऐसा नहीं है ठीक है भाई तुम तो मान लो जेई का एग्जाम दोगे नीट का एग्जाम दोगे तो वहां पे जो रैंक है वो रिलेटिव रैंक है अपने स्कूल के टॉपर रहे होगे ठीक है क्लास में जो है थर्ड आते थे क्लास में तीन ही बच्चे थे तो वो जो है वैसे ही टाइप का है कि नेगलेक्ट जो होता है वो कंपैरिजन में होता है आइसोलेशन में कोई नेग्लेक्ट नहीं होता है तो कभी भी अगर ऐसा आता है स्मॉल स्पीयर फ्लूड चैप्टर होगा तो वहां पे भी आएगा लार्ज टैंक स्मॉल हाइट लार्ज हाइट तो हम उसको कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी एज्यूम करते हुए सब कुछ इक्वेशन अप्लाई करते हुए फाइंड करेंगे उसके बाद जो फॉर्मूले में आता है फिर हम नेग्लेक्ट करते हैं आइसोलेशन में पहले से ही निगलेक्ट करके नहीं चलना है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन के लिए कहीं पर भी किसी भी डेरीवेशन में कहीं पे भी ये चीज बहुत एक कॉमन है जो कि थ्रू आउट अप्लाई होगी इसके बाद और कोई डाउट किया ही नहीं होगा कुछ कर क्या रहे हो सन्नाटा छाया हुआ ठीक है ठीक है।, है अब नहीं किए हो तो क्या कर सकते हो इसको अटेम्प्ट करना क्वेश्चन नंबर देखो रोटेशन के तुम्हारे बहुत सारे रेफरेंस हो सकते हैं तो जो अच्छा रेफरेंस है वो एच है क्यों कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बनाए हुए हैं जो कॉन्सेप्ट है जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जैसे इससे पहले ये सारे कोलिजन वाले क्वेश्चंस जो हैं ये 59 से लेके यहाँ से तुम्हें बताया था 51 से 58 जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है इसके बाद ये सब जो कोलिजन वाले क्वेश्चन हैं ये आज बता दूंगा तो उसके बाद इनको अटेम्प्ट कर सकते हो फिर इधर जो है ये टार्क वाले क्वेश्चंस थे फिर आई अल्फा वाला जो बताया था कल वो सारा इधर है इससे पहले जो बेसिक कुछ ओमेगा इजल्ट ओमेगा नॉट अल्फाटी इसके ऊपर एप्लीकेशन है तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे इतने ही हैं बस सिचुएशंस अलग अलग हो जाएगी इसको कंप्लीट कर लो तो फिर और इरोडो इरोडो के क्वेश्चन नंबर में मार्क करके दे दूंगा उसको कर लेना सेम टाइप का जो है तुम्हें तो मिलेगा <coughs> तो पहले जो बेसिक स्टेप्स हैं जो हैं वो एकदम क्लियर हैं तो फिर तुम मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है और कुछ नहीं कॉन्सेप्ट सेम चलो ठीक है अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं कि वर्क डन बाय कैनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव क्या ये स्टेटमेंट होगा वर्क डन बाय कैनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन बाई कनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ये स्टेटमेंट ट्रू होगा नो सर क्यों नो सर वर्क डन बाई क्नेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ट्रू और फॉल्स वर्क डन बाई फॉल्स काइनेटिक फ्रिक्शन मे भी नेगेटिव में भी नेगेटिव फर्स्ट वाला ट्रू होगा फर्स्ट वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू सेकंड का ट्रू सेकंड का ट्रू थर्ड का भी ट्रू थर्ड ट्रू थर्ड ट्रू सेकंड फॉल्स सेकंड भी ट्रू फर्स्ट फॉल्स अबे इसमें से अगर ये ट्रू बोल लो तो फिर ऊपर वाला ट्रू कैसे होगा अगर थर्ड ट्रू, ट्रू बोल रहे तो फर्स्ट फर्स्ट ये जो है ठीक है तुक्का ही लगा रहे हो ये फॉल्स है true. और ये ट्रू होगा यस yes, सर

है, है है, है। तो अब यहाँ पे ये मोशन है तो मोशन के अपोजिट में होगा फ्रिक्शन मोशन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी के अपोजिट रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन सपोज की अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पे फोर्स भी एक्ट कर रहा है टेन न्यूटन का और यहाँ वेलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड फ्रिक्शन लेफ्ट होगा या राइट right? डायरेक्शन so, लेफ्ट. लेफ्ट, लेफ्ट. लेफ्ट. मतलब है, है तो हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स फोर्स और वेलोसिटी दोनों है तो ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स है लेफ्ट. तो फोर्स तो क्या करता है वो टेंडेंसी जनरेट करता है तो अगर मान लो सिर्फ ऐसे ऐसे अगर है

तो कॉनेटिक फ्रिक्शन का कुछ वर्क होगा वर्क होगा और वो वर्क नेगेटिव होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू कुछ कुछ नेगेटिव क्वांटिटी होगी नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से देखेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये एम है तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी तो नॉर्मल का वर्क भी जीरो है ग्रेविटी का वर्क भी जीरो है फ्रिक्शन का वर्क जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब डेल्टा के भी क्या है नेगेटिव है डेल्टा के है नेगेटिव है तो डेल्टा के नेगेटिव का मतलब है कि फ्रिक्शन अगर एक्ट कर रहा है तो वो इसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब चेंज नेगेटिव तो वो एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो <coughs> तो ने एनर्जी को ये डिक्रीज कर दिया अब अगर मान लो कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली हम सिचुएशन लेते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक अगर हम कंसिडर करते हैं तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक में ये दिया था कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है क्योंकि इस पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जाऊंगा इसलिए मैं थोड़ा सा ये पॉइंट बता रहा हूं कि ये है अब ये कुछ डिस्टेंस मूव किया ये जो बिगर ब्लॉक है वो एल डिस्टेंस मूव किया किसी भी मैकेनिज्म से हमने फोर्स अप्लाई किया है मे बी ऊपर वाले के ऊपर ही फोर्स अप्लाई किया हो हमने किसी भी मैकेनिज्म से ये स्लिप करके इसके रिलेटिव में यहाँ पे आ गया इस एज पे था यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल uh, एल है और ये जो है स्मॉल एल है स्मॉल एल है तो अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है तो ये इस पे राइट right की तरफ स्लिप कर रहा है रिलेटिव मोशन राइट की तरफ है तो फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट की तरफ होगा फ्रिक्शन यहां से लेफ्ट की तरफ होगा ये और इस ऑब्जेक्ट पे राइट right की तरफ होगा फॉरवर्ड होगा स्मॉल एम के ऊपर yes, ब्लॉक के ऊपर क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग है इसके रिस्पेक्ट में जिधर जा रहा है फ्रिक्शन उसके अपोजिट में ये कैसे क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो यहाँ जो है फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है और इस पर फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है तो अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम फाइंड करते हैं तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक या कैपिटल एम पे अगर हम देखते हैं कैपिटल एम ब्लॉक प्लैंक जो है तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम वो कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट एफ इन सम so, न्यू m mg l हां f जो भी फ्रिक्शन होगा म्यू μ μmg होगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है तो यस yes, सर और स्मॉल एम के ऊपर वर्क डन कितना होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम तो नेगेटिव so, होगा ये होगा एफ डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड इसके रेस्पेक्ट में अगर यहाँ से देखोगे यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो इसके L साथ ये L L, L L, L L. ये जो है तो L L L. L. So, L. L L. तो अब क्या work done by kinetic friction positive? Yes. Capital M के ऊपर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव दैट विल डिपेंड अब यहाँ पे एक ही ब्लॉक था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था तो नेगेटिव है ठीक है पॉजिटिव भी हो सकता है सिस्टम अगर है कई सारे पार्टिकल हैं तो किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव बट सिस्टम का नेट वर्क डन क्या होगा नेटवर्क डन होगा एफ नेट अगर हम करते हैं नेटवर्क डन तो वो माइनस माइनस एफ एल आएगा एड कर दोगे एफ एल आएगा एफ ए प्लस एफ एल और यहाँ पे -f l -f l तो ये यस सर यस सर तो अगर हम सिस्टम वाइज बात करेंगे तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि व्हेनेवर काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन द सिस्टम इट विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी इट विल डिक्रीज एनर्जी एनर्जी को वो खा जाएगा 10 जूल एनर्जी है तो उसको 7 जूल एट जूल कुछ ना कुछ तो वो एनर्जी डिक्रीज ही करेगा ठीक है तो एनर्जी डिक्रीज कर रहा है हमेशा तो ये चीज हम याद रख सकते हैं कि नेट डन या वर्क डन नेट डन जब बहुत सारे पार्टिकल होंगे सिंगल पार्टिकल होगा तो वर्क डन हो जाएगा तो कानेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डिक्रीज द कानेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसे स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल भी है तो अब अगर मान लो कि इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये एक ट्रैक है और उस ट्रैक में ट्रैक का कुछ पार्ट स्मूथ है और कुछ पार्ट रफ है तो ये दो सेगमेंट हैं ये ये लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये सेगमेंट को हम बोलते हैं ये जो सेगमेंट है वो एक एस वन है दूसरा एस टू है तो ये सेगमेंट जो है एस वन है और ये सेगमेंट एस टू है यहाँ से किसी एच हाइट से ये मान लो ये ग्राउंड का लेवल है और यहाँ से एक सॉलिड स्फीयर सॉलिड स्फीयर सॉलिड स्फियर एच हाइट से रिलीज किया जा रहा है एच अब ये इसको हम रिलीज कर रहे हैं रिलीज करते 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 ये किसी हाइट पे पहुंच रहा है किसी हाइट पे पहुंच रहा है और उसके जो है सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है वो एच डैश है एच डैश है तो हमें यह आंसर करना है कि इन विच केस इन विच और मल्टी करेक्ट ऑप्शन है इन विच केस इनिशियल एंड फाइनल हाइट विल बी सेम मतलब इन विच केस इन विच केस एच एंड एच डैश आर इक्वल ऑप्शन हैं

सर नहीं सर ओनली बी सर बी और डी सर अगर आप मल्टी करेक्ट हो तो बी और डी होगा मल्टी करेक्ट है तो बी और डी होगा अच्छा तो बी और डी फाइनल ए. नहीं सर ओनली बी अच्छा ओनली बी है एक एक है ए और बी और डी भी है पब्लिक और कोई चरीज़ रीज़न सर ऑप्शन बी क्योंकि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में था बी तो होगा ही क्योंकि हां सर ठीक है ठीक अब देखो ये ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर अगर मान लो हमने जो भी पढ़ा हुआ है ठीक है तो करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट uh, आंसर तो वो है बी एंड डी नहीं है वो है सी या तो दोनों सरफेसेस स्मूथ हो या दोनों सरफेस रफ हो तो उस केस में वो सेम हाइट अचीव करेगा रफ का मतलब हम जहां पे भी है वहां पे अगर आपसे रीजन क्या है कि अगर सरफेस स्मूथ है सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं है फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी रोलिंग नहीं होगी रोलिंग नहीं है तो जो भी इसके पास एनर्जी आएगी स्मूथ वाले केस में स्मूथ वाले केस में ये सिर्फ ट्रांसलेट करता हुआ आएगा अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल दोनों स्मूथ हैं और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से रिलीज करता हूँ तो वो लाइन अभी भी वर्टिकल रहेगी क्योंकि तो फ्रिक्शन है नहीं तो सेंटर ऑफ मास के वो रोटेशन कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो जब रोटेशन नहीं प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा टॉर्क नहीं होगा टॉर्क नहीं तो अल्फा नहीं होगा अल्फा नहीं होगा तो ओमेगा नहीं आएगा ओमेगा नहीं होगा तो रोटेशनल कनेटिक एनर्जी नहीं आएगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी तो इस केस में अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि रूट टू जी एच होगा और फिर ऐसे ही ये ऊपर चला जाएगा फ्रिक्शन है नहीं तो ये ट्रांसलेट करते करते हुए ऊपर चला जाएगा तो कोई भी एनर्जी लॉस होगी नहीं इसकी और ये क्या करेगा जितनी हाइट चाहे उतनी हाइट पे वापस पहुंच जाएगा ये कहानी हो गई इसकी तो स्मूथ वाले केस में नो एनर्जी लॉस सो डायरेक्टली जहां से स्टार्ट किया वहां पहुंच गया मोशन जो स्फीयर का होगा प्योरली ट्रांसलेशनल होगा वेलोसिटी हमें फाइंड करना है तो वो टू जी एच वगैरह करके फाइंड कर सकते हैं तो ये तो हो गया अब स्मूथ और रफ का कॉम्बिनेशन लेते हैं कि ये रफ है अगर तो अगर स्मूथ है तब तो ये यहां से ट्रांसलेट करता हुआ आएगा ट्रांसलेट करता हुआ आएगा इसके पास वेलोसिटी होगी कुछ वेलोसिटी होगी उसके बाद रफ सरफेस पे इमीडिएटली लैंड करेगा तो रफ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी के साथ लैंड करता है तो हमें पता है कि यार वो तो रोलिंग उसकी कुछ टाइम के बाद होती है जैसा हमने दिया कि देखा था इनिशियल वेलोसिटी दिया था तो कुछ देर तक वो क्या होगा कुछ देर तक वो स्लिप करेगा तो यहां से जब ये स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा कानीटिक तो कानीटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो वो क्या कर देगा एनर्जी को डिक्रीज करेगा सो so, एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो वापस उस हाइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ इसके पास एनर्जी क्या थी इनिशियली एम एनर्जी थी कुछ एनर्जी फ्रिक्शन ने लॉस करा दिया तो फ्रिक्शन जब लॉस हो जाएगा तो वहां से सेम हाइट को अटेन नहीं कर पाएगा सेम हाइट को अटेन नहीं कर पाएगा इसलिए ये केस इस केस में क्या होगा रफ वाले केस में एच डैश जो होगा एच डैश विल बी लेस देन एच डैश विल बी लेस देन एच ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के लॉस की वजह से वो हो होगा अच्छा रफ रफ में क्या है रफ में ऐसा है कि यहां से रफ होगा तो वो रोलिंग करता हुआ आएगा रोलिंग करता हुआ आएगा तो रोल करता हुआ आएगा तो तुम्हें पता है कि यहां पे आते आते इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो इस पॉइंट पे ये रोल भी कर रहा होगा और ट्रांसलेट भी कर रहा होगा ये वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं

तो उस केस में भी क्या होगा सेम हाइट वो अचीव कर लेगा सर, सर मतलब हम लोग H2 में दे। 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 दे प्लेन एस hmm? टू में भी ऑफ द प्लेन होगा ना सर मतलब हम लोग नॉर्मली रियल लाइफ में अगर हम लोग इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वैसे नहीं होता कि वो आ, उसी पॉइंट तक पहुंचता है क्योंकि अगर सपोज वो एस से लेके एस तक पहुंच गया फिर वो वापस जब आता है तो सेम हाइट में पहुंचता तो नहीं है नहीं सेम हाइट में पहुंचता नहीं अगर वो कंडीशन सेम होंगी तो ऐसा जैसे प्योर रोलिंग भी ऐसा है कि भाई कुछ स्लिपिंग भी हो सकती है फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा तो जरूर वो सेम हाइट तक जाएगा लेकिन मान लो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो किसी हाइट तक पहुंचा तो वहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो गई वो स्लिप भी कर रहा है कुछ स्लिप कर रहा है तो कानिक फ्रिक्शन आ जाएगा एनर्जी कम कर देगा वो कम हाइट अचीव करेगा अगर बिल्कुल हम प्योर रोलिंग एश्योर कर सकते हैं मतलब कि कहीं किसी पॉइंट पे स्लिपिंग ना हो तो बिल्कुल पहुंचेगा वो रियल लाइफ या रियल लाइफ किसी में पहुंचेगा वो ठीक है सर सर प्लेन में, में डाउट है भाई किसी को फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑफ द प्लेन अरे क्वेश्चन भूल गए भूलते बड़े जल्दी हो यार तुम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था कि मैंने प्योर रोलिंग की कंडीशन देके इंक्लाइंट प्लेन पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन रोल करा दिया किसी ऑब्जेक्ट को अब द प्लेन तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए नहीं याद है सर ऑफ द प्लेन हां ऑफ द प्लेन ये आप आप द प्लेन आप द प्लेन होगा क्यों आप द प्लेन होगा क्योंकि एम जी साइन थीटा तो डाउनवर्ड है ये तो ये जो एक्सल तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा हम्म और एंगुलर वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन ऑफ द प्लेन होगा हाँ यहां से लिनियर वेलोसिटी डिक्रीज करनी है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ट्रांसलेशन की वजह से स्पीड डिक्रीज करेगी तो रोलिंग हमें मेंटेन रखना है तो इसके लिए ओमेगा आर को भी डिक्रीज होना चाहिए ओमेगा आर को ओमेगा को डिक्रीज कराने के लिए अल्फा चाहिए अल्फा किस सेंस में होगा अल्फा इसके अपोजिट सेंस में होगा इस सेंस में अल्फा कौन जनरेट करेगा फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन किधर होगा आफ्टर प्रिंट समझे यस yes, सर बहुत इजी है एक्सप्लेनेशन yes, है <laughs> तो ये होगा इसमें तो रफ रफ में भाई ये एक चीज़ हो जाएगी तो इसमें एच डैश इज इक्वल टू एच यहाँ पे एच डैश इज इक्वल टू एच क्योंकि जो डेल्टा के है वो ज़ीरो है डेल्टा के ई जो है ज़ीरो है स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करे इसमें स्मूथ फ्रिक्शन है नहीं इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है दोनों केस में वर्क डन ज़ीरो होता है भाई या तो फ्रिक्शन हो नहीं तो वर्क डन ज़ीरो होगा या या तो फोर्स ही ना हो या तो फोर्स एक्ट करे और डिस्प्लेसमेंट ना हो क्योंकि वर्क तो हमारा फोर्स एक्ट करे और डिस्प्लेस हो तब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट तो करता है बहुत सारे एग्जाम्पल बता चुका हूँ ड्यूरिंग वॉकिंग जो है फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है है पे रोलिंग में जो नेट वर्क डन जीरो होता है रफ एंड स्मूथ के कॉम्बो में क्या है कि रफ के केस में है तो वहां से रोल करता हुआ तो आएगा यहां से रोल करते ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है कि वहां से रोल करता हुआ वो आएगा रोल करने के बाद इस पॉइंट पे ओमेगा होगी कुछ ना कुछ रफ एंड स्मूथ के केस में क्या होगा कि इस ट्रैक से रोल करता हुआ ये नीचे आएगा ये वही ट्रैक है यहां से रोल करता हुआ आया इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे तो इसके पास ओमेगा होगा कुछ अल्फा होगा ठीक है ये ओमेगा होगा और कुछ वेलोसिटी होगी तो ट्रांसलेशनल में मान लो कि ट्रांसलेशनल में कानेटिक एनर्जी है टेन जूल और रोटेशनल में जो है काइनेटिक एनर्जी है फाइव जूल अब इसके बाद सरफेस स्मूथ है ये जो है स्मूथ है स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा फ्रिक्शन नहीं होगा तो अल्फा टॉर्क नहीं होगा टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं होगा अल्फा नहीं है तो ओमेगा चेंज नहीं होगा ओमेगा चेंज नहीं होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी मतलब ये किसी भी पॉइंट पे मूव करेगा तो सेम ओमेगा से ही घूमता रहेगा ये रोटेट होता रहेगा ऐसे और एक्सेलेशन तो है एक्सेलेशन तो होगा ये अब द प्लेन जा रहा है तो एम जी साइन थीटा तो होगा तो वो जो है वेलोसिटी को कम करेगा तो यहां से ये स्टार्ट किया कितनी एनर्जी के साथ यहां से ये स्टार्ट किया 15 जूल के साथ 15 जूल के साथ पोटेंशियल एनर्जी थी नीचे आया तो वो कानेटिक एनर्जी में डिवाइड हो गई कुछ ट्रांसलेशन में चली गई कुछ रोटेशन में चली गई अब स्मूथ प्लेन पे राइज करेगा तो रोटेशन वाली एनर्जी एक तरीके से ट्रैप्ड हो गई अब वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है क्यों क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ ट्रांसलेशन वाला जो है वो ट्रांसलेशन वाले की वजह से मतलब जूल एनर्जी की वजह से वो जितनी हाइट तक जा पाएगा वहीं तक जा पाएगा और मैक्सिमम हाइट पे वो सेम ओमेगा से ही घूमता ही रहेगा तो यहाँ पे हाँ, समझे तो वहां पे भी इसका ओमेगा वही रहेगा ओमेगा विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन ओमेगा जो है इसका कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ इस... जाएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर जब वो बॉल बोलो बोलो नहीं सर जब वो बॉल रुक जाएगा फिर फ्रिक्शन ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि mg तो नीचे लगेगा ये स्मूथ सरफेस है ओह oh, yes, yes. सर अगर रफ हुआ तो बर रफ हुआ तो बता दिया ना रफ हुआ तो सेम आइट अचीव कर लेगा अजीब आदमी है आंसर यस सर हम्म समझे ये पॉइंट यस सर यस सर तो ये चीज है और ए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है स्मूथ रफ का कॉम्बिनेशन देके फाइनली uh, जो है कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा कितनी लॉस होगी क्या होगा वो सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं स्मूथ है तो फाइंड कर सकते हैं रफ़ है तो फाइंड कर सकते हैं अगर ये रफ और स्मूथ का कॉम्बिनेशन है तो उसमें भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज होगा कितनी हाइट तक जाएगा ये भी कैलकुलेट हो पाएगा ओमेगा जो है वो 10 जूल यहाँ से ये कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ चाहो तो उसको कर सकते हो बता दूंगा फिर रोटेशनल एनर्जी जो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसी की वजह से जाएगा सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच कर देंगे रोटेशनल का हमें केयर ही नहीं करना है तो उस टेन जूल की वजह से जो हाइट अचीव करेगा वही हाइट फाइनल हाइट होगी इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट हम निकाल सकते हैं तो ये जो है सोचने के लिए था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इसके बाद नेक्स्ट है प्लैंक है अब इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एक प्लैंक है और ये है सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यहां से ये एक ब्लॉक से कनेक्टेड है तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है बहुत आसान है और ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइप के हो सकते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे स्पीयर से स्ट्रिंग कनेक्ट करके आ सकता है ठीक है दो दो स्फीयर हो सकते हैं एक ये सिलेंडर हो सकता है एक यहाँ पे सिलेंडर हो सकता है तो कॉम्बिनेशन बहुत है बट स्टेप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है तुम सही सही लिखते जाओगे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है तो ये जैसे स्मॉल एम हम इसको लेते हैं कि ये m है स्मॉल एम का प्लैंक है और इस तरह के इस मोमेंट पे बताना है ठीक है